29 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक वर्ल्ड कप मुकाबले में जो भारत को हार मिली, उसके बाद से तमाम भारतीय फैंस के जो दिल में जो आक्रोश है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तमाम तरह की बातें कही जा रही है, सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं सामने, कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है टीम इंडिया को। अब देखिए, बल्लेबाजी में भी निराशा हुई थी और गेंदबाजी में भी निराश करने वाली परफॉर्मेंस रही थी। एक भी गेंदबाज एक विकेट नहीं चटका पाया कल पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन निशाने पर आ गए हैं सोशल मीडिया में मोहम्मद शमी। वही मोहम्मद शमी जिनकी परफॉर्मेंसेस के लिए कभी उनको तालियों से नवाजा जाता था, अब उनको गालियां सुनाई जा रही हैं। जी हाँ, कोई उनको गद्दार कह रहा है, कोई उनको कह रहा है गो टू पाकिस्तान। अगर आपको याद हो, अपने मैच देखा हो शुरुआत से, तो इस मैच के आगाज से पहले हमने देखा किस तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर का संदेश भारतीय टीम और पाकिस्तान ने दिया। भारतीय टीम ने तो एक घुटने पर बैठकर अपनी सॉलिडारिटी दिखाई, अपनी सपोर्ट दिखाई, अश्वेत जो लोग हैं उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने एक मैसेज देने को, एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन जब शमी को निशाने पर लिया गया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये कहने लगे कि भारतीय टीम में से कोई भी भारत के जो एक खिलाड़ी को, मोहम्मद शमी को, जिसने तमाम मौकों पर भारत को मैच जिताया है, शानदार तरीके से गेंदबाजी करके विकेट चटकाए हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। और अब बहुत लोग सामने आ गए हैं, आई सपोर्ट शमी, आई स्टैंड विद शमी हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। और इसमें सबसे जो देखने वाला जो सबसे हाइलाइटेड ट्वीट है वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारत के ज्यादातर खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन निशाने पे आए मोहम्मद शमी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 13 गेंदे रहते हुए बिना कोई विकेट गवाए 152 रन बनाकर मैच को जीत लिया। मोहम्मद शमी भारत के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 3.5 ओवर में 43 रन लुटाए और विकेट भी नहीं लिया। बाकी के गेंदबाज भी एक विकेट नहीं ले पाए, मगर सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी के प्रदर्शन को उनके धर्म से जोड़ दिया। क्रिकेट जगत ने इसकी एक सुर में अब निंदा की है। सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को ट्वीट किया, जब हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। मोहम्मद शमी प्रतिबद्ध खिलाड़ी हैं और विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। उनका एक दिन खराब गया और खेल की दुनिया में किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह शमी और टीम इंडिया के साथ खड़ा हूं। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज और बीजेपी एमपी गौतम गंभीर ने भी सोशल मीडिया ट्रोल्स को शर्मनाक बताया है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि मोहम्मद शमी पर जिस तरह का ऑनलाइन अटैक हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। हम मोहम्मद शमी के साथ खड़े हैं, वो एक चैंपियन है और जो भी भारतीय कैप पहनता है उसके दिल में भारत बसता है। शमी, हम तुम्हारे साथ हैं, अगले मैच में दिखा दो जलवा। वहीं इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं भी भारत पाकिस्तान मैच का हिस्सा रहा हूं जहां हम हारे थे, लेकिन कभी भी मुझे पाकिस्तान जाने को नहीं कहा गया। मैं कुछ वक्त पहले के इंडिया की बात कर रहा हूं, ये सब बंद होना चाहिए। वहीं युजवेंद्र चहल ने भी शमी के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए लिखा, हमें आप पर बहुत गर्व है शमी भैया। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, जो लोग मोहम्मद शमी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं उनसे मेरी एक ही विनती है, आप क्रिकेट ना देखें और आपकी कमी महसूस भी नहीं होगी। शमी की ट्रोलिंग को लेकर राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी ने भी शमी के खिलाफ सोशल मीडिया ट्वीट्स का विरोध जताया। AIMIM चीफ ओवैसी का कहना है कि ये ट्वीट्स दर्शाते हैं कि देश में कितनी नफरत बढ़ गई है। ओवैसी ने अपने बयान के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम सभी मोहम्मद शमी के साथ हैं, ये लोग सिर्फ नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि इन्हें कोई प्रेम नहीं देता है, इन्हें माफ कर दे। न्यूज़ तक ब्यूरो।